हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चैट 11:11। तो आपके पर्सन आपको कैसा समझते हैं और आप रियल वे में कैसे हैं, तो वो आपको कैसा समझते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं एंड आप रियल में कैसे हैं, यानी सच में कैसे हैं, इसकी रीडिंग होगी। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। चलिए देखते हैं। तो प्लीज स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन उन्हें कैसा समझते हैं, मीन्स कैसा इंसान समझते हैं कि मेरे व्यूवर्स कैसे हैं। चाहे तो वो समझते होंगे कि जो व्यूवर्स है मेरे, वो बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट, बोल्ड, और रियल में होगा कि आप शाई पर्सन हैं। तो जो भी, वो कैसा समझते हैं आपको। तो कैसा इंसान समझते हैं, सिक्स ऑफ वैंड्स, ओ माय गुडनेस, जस्टिस, लवर्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए ठीक है, मैं पांच कार्ड ले लेती हूँ। तो वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे हैं, पहले मैं इसकी करूँगी, बाद में आप रियल में कैसे हैं इसकी रीडिंग करूँगी। रियलिटी तो आपको पता ही होगा कि आप कैसे इंसान हैं क्या है। तो आपको वो समझते हैं कि आप जो हैं बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हैं। आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो सकती है, मीन्स खास तौर से जोडियक साइन वाइज। बाकी आपकी ही रीडिंग है, मतलब आपके पर्सन आपको कैसा समझते हैं उसी की रीडिंग है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है, यानी जेमिनी लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, तो जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं। तो वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो समझते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके लाइफ में विक्ट्री ही विक्ट्री है, जिस फील्ड में भी आप चले जाएं सक्सेस आपके हाथ होती है। और ख़ास तौर से आप मेरे व्यूवर्स, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलोअर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको जानते हैं, ये वो मानते हैं, वो मानते हैं कि आप जो हैं आपके फॉलोअर्स यानी फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो सकती है। आपके पर्सन का ये नज़रिया है कि आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत हैं, लोग आपकी गाइडेंस को मानते हैं, लोग आपके बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये देखते हैं। एंड अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, क्योंकि आप वर्किंग भी हैं एंड अपने घर, अपने परिवार और अपने वर्क प्लेस को अच्छे से मैनेज करते हैं, और लोग आपकी बातें सुनते भी हैं, मानते भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं। तो ऐसा मानते हैं, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी ये वो मानते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी करते हैं, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है, और वो टैलेंट, आप बहुत टैलेंटेड हैं, और उसी टैलेंट की वजह से पब्लिक में आपके जो है पहचान है, पॉपुलैरिटी है, जो टैलेंट आपके पास है, जो हॉबीज़ आपके पास है, जो आपका बिहेवियर है, उसी के वजह से लोग आपको पहचानते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, यानी लोगों से आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। तो लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, सक्सेसफुल हैं और बहुत स्टेबल हैं, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। लोगों का मानना है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी बहुत आती है एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर आप प्रोफेशनल भी हैं, मीन्स काम करते हैं, तो भी आपको बहुत
अपॉर्चुनिटी आती हैं हैप्पीनेस की, खुशियों की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बहुत मिलती है। आप बहुत ही लकीस्ट पर्सन कह सकते हैं, उनकी नज़रों में आप लकीस्ट हैं, आप उनके गुड लक कह सकते हैं, वो आपको गुड लक के जैसा ही देखते हैं। वो मानते हैं कि आप जो हैं आपके साथ हमेशा जस्टिस पसंद इंसान आप हैं, इसीलिए लोग आपको सही तरीके से ही ट्रीट करते हैं। बहुत बैलेंस इंसान हैं एंड आप जो है जस्टिस इनजस्टिस किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जस्टिस पसंद इंसान हैं। फेयरनेस आपकी रॉयलिटी है, रॉयल हैं पर्सन, आपके लाइफस्टाइल बहुत रॉयल हो सकता है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उन्हें आप कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में देख सकते हैं बड़ा सा सोर्स है। तो ये पर्सन, और ये रेड कलर एंड पर्पल कलर है, तो विजडम एंड हारमोनी और कहीं ना कहीं फेयरनेस की निशानी है। तो सक्सेसफुल तो आप हैं ही, सक्सेसफुल तो मानते ही हैं एंड जस्टिस पसंद मानते हैं, आप किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि आप स्टैंडेबल पर्सन हैं, दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, दूसरे के साथ इनजस्टिस कभी नहीं देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं उसके लिए, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, आवाज़ उठाना आप नहीं भूलते हैं, यानी दूसरों के लिए भी आप स्टैंड लेते हैं। यहाँ लवर्स है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली मिलती है, पार्टनर के रूप में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोग आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हॉट, सेक्सी, हैंडसम हो सकते हैं, जिससे कि लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं फिजिकल वे में भी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी। अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत माइंड ब्लोइंग है, आप लोगों से ईजी वे में कनेक्ट हो जाते हैं, मीन्स लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आप अपने एज के, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, अपोजिट सेक्स को डेफिनेटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो आपको एक लवर्स की एनर्जी में देखते हैं, मीन्स वो मानते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है ही, पार्टनर के रूप में भी आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, क्योंकि लोग आपकी हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, आपको पसंद करते हैं एक रोमांटिक वे में, एक रोमांटिक वे में पसंद करते हैं। आपको वो बहुत पेशेंसफुल देखते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल इंसान हो, मीन्स अपने आप किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाकर अगर टाइम और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत पेशेंसफुल रहते हैं, घाई गड़बड़ी नहीं करते हैं, बहुत धैर्य के साथ काम कूल एंड अपने एनर्जी को स्टेबल करते हुए आप लाइफ में चलते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हैं सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आपके पास सक्सेस की की है, सक्सेस की की जो आप ही के पास है, इसीलिए तो आप, क्योंकि आप पेशेंसफुल हैं, तो उन्हें लगता है कि आप सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि सफलता की चाबी आप ही के पास है। आप जानते हैं इस 3D वर्ल्ड को भी एंड बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल है आपका माइंडसेट, बहुत आप टैलेंटेड डेफिनेटली ये है, इनमें से आप हैं। एंड आपको ये भी मानते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा, तो डेफिनेटली क्योंकि लवर्स का कार्ड है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप रियल में क्या हैं, रियल में क्या है मेरे व्यूवर्स, रियलिटी चेक कर लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी रियल रियलिटी है, देख सकते हैं। तो रियल में आप क्या है यानी मेरे व्यूवर्स, तो यहाँ भी वही स्टार साइन निकल के आए हैं, वर्गो स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन स्ट्रांग है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जहाँ कैप्रिकॉन एंड वर्गो स्ट्रांग है। तो रियल में आप कैसे हैं, रियल में आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जगल करते हैं, मीन्स आप कहीं ना कहीं इनबैलेंस इंसान हैं, आपके लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, तो बैलेंस बनाने में आप लगे रहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो, आप दोनों को जगल करते हैं एंड कहीं ना कहीं माइंड एंड इमोशंस के बीच में भी जगलिंग होती है। माइंड आपका कुछ और कहता है, इमोशंस आपके कुछ और कहते हैं, दिल कहता है इधर करो, दिमाग कहता है नहीं ये करो,
तो दिल और दिमाग को बैलेंस करने में आप लगे रहते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट बैलेंस में जाता है। और यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है तो आपके पर्सन तो डेफिनेटली मानते हैं कि आप बैलेंस हैं, लेकिन आप वो उतना मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं इस बैलेंस को बनाने के लिए, क्योंकि बैलेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। रियल में आप बहुत बैलेंस इंसान हो सकते हैं क्योंकि आप ये बैलेंस बनाना जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे चीज़ों को या सिचुएशन को बैलेंस करना है, इसीलिए आपकी एनर्जी ज़्यादा बैलेंस पे इन्वेस्ट होती है और आप अपने लाइफ में बैलेंस हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वैंस एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है तो आप बहुत चैलेंज नेचर वाले हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड इनके हो सकते हैं, रियल वे में एक बेस्ट फ्रेंड हैं आप उनके, आप में एक अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है एंड कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है रियल वे में। मतलब आप दूसरों को, अगर इन्होंने यहाँ लवर्स के कार्ड में देखा है तो आप सोलमेट भी, आप अपनों के साथ जो हैं, आप अपनों के साथ अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे सोलमेट कह सकते हैं, जो सोलमेट तो बहुत सारे होते हैं जो इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो आप बहुत सपोर्टिव इंसान हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों के लिए जो है जो भी सपोर्ट आपको होता है आप सपोर्ट ज़रूर करते हैं, एक्सेप्टेंस है जो चीज़ें जैसी है, चाहे आपके परिवार में हो या बाहर के लोग हो, आप एक्सेप्ट करते हैं कि जाने दो भाई, ये इंसान ऐसा है इसीलिए ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं है, बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो ठीक करेगा। तो आप में ये एक्सेप्टेंस है, चाहे वो छोटे भाई बहन हो आपके या बड़े भाई बहन हो, आप जानते हैं कि चलो अभी इसका नेचर ऐसा है लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा, बच्चे या फिर छोटे भाई बहन ऐसे करते हैं, तो एक एक्सेप्टेंस है चीज़ें, चाहे एक बेस्ट फ्रेंड की तरफ भी आपका यही एटीट्यूड होता है, जाने दो ये थोड़ा सा एरी ही है ये मराठी लैंग्वेज है एरा, और मीन्स थोड़ा सा मैडली, मीन्स काम को लेके थोड़ा इम्पल्सिवनेस है, तो आप एक्सेप्टेंस में है कि हाँ ये जो मेरा फ्रेंड है बहुत इम्पल्सिव है, हर काम के लिए इसको घाई गड़बड़ी रहती है, हर चीज़ वो ऐसे ही करता है, इसीलिए हमेशा जो है सक्सेसफुल नहीं होता, हमेशा पीछे हो जाता है क्योंकि इसका घाई गड़बड़ी, बिना सोचे समझे कोई भी काम कर देना। तो ये एक्सेप्टेंस है उस फ्रेंड की तरफ और बहुत प्यार है कि उसका सपोर्ट करे, बहुत ये है कि हमेशा उसको आगे रखे, क्योंकि आपने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे वो हैं, जैसे आपके फ्रेंड हैं आप वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो रियल में आप बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हैं, जो दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं, दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों के लिए गिविंग एनर्जी है, जनरोसिटी क्रिएट करते हैं। आप बहुत ही पैशनेट इंसान हैं, किसी भी सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आप कभी डरते नहीं, घबराते नहीं, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं, चाहे सिचुएशन आपके अगेंस्ट ही क्यों ना रहे, आप बहुत एनर्जेटिक हैं बहुत। और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, जहाँ आपको चाहिए स्पेस आप वहाँ स्पेस लेना भी जानते हैं। तो किसी से भी अगर आपको बड़े चीज़ों, यानी बड़े सिचुएशन हो या छोटे सिचुएशन में हो, आपको जहाँ स्पेस लेने की ज़रूरत होती है आप लोगों से स्पेस लेते हैं, सिचुएशन से स्पेस लेते हैं, इसीलिए आप बहुत विस्डम वाले इंसान हो सकते हैं, यानी स्पिरिचुअल इंसान तो है ही, कहीं ना कहीं सोल कॉन्शियस इंसान हो सकते हैं, अपने सोल को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज तो ज़रूर करते हैं कि आपकी सोल जो है क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है, क्या चीज़ें उस सोल के ग्रोथ के लिए अच्छी है और क्या चीज़ें सोल के लिए अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सिंगल पर्सनालिटी है आपकी, बहुत सोल रिफ्लेक्शन वाले इंसान हो सकते हैं, कम बोलने वाले इंसान हो सकते हैं या ज़्यादा तभी बोलते हैं जहाँ आप जो है पूरी तरह से सपोर्टिव एनर्जी में होते हैं, और जहाँ आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वहाँ आप थोड़े से स्पेस लेने वाले इंसान हैं। यहाँ डेविल की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप चीज़ों को लेकर थोड़ा ऑब्सेस हो जाते हैं, आप में भी फियर है, आप में भी डाउट है, आप में भी ट्रस्ट इशू है, आप में भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, आप में भी कहीं ना कहीं सेल्फ इस्टीम की कमी है। आज बोलेंगे कि मैम आज ये आप क्या गिना रहे हो, हर दिन तो रीडिंग में
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई खुद के प्रशंसा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत, किसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पर्सन, तो वो आपके पर्सन का नज़रिया था, समझ में आया, वो आपके पर्सन का नज़रिया था कि आप कैसे इंसान हैं, जो आप नहीं देख पाते हैं, खुद को तो आप नहीं देखते कि आप में क्या क्वालिटीज़ है, खुद को नहीं जान पाते हैं, तो वो क्वालिटीज़ आपके पर्सन के नज़रों से आपको पता चलती है, जिससे कि आपका सोल इनलाइट हो, कॉन्फिडेंस आप फील करें। अभी ये रियलिटी क्या, आप रियल में हैं क्या, तो रियलिटी भी सुनने की क्षमता रखिए। कुछ वर्ड अच्छे सुने हैं तो कुछ वर्ड थोड़े निगेटिव भी सुनिए, यहाँ डेविल की एनर्जी है। आपको अच्छा लगे ना लगे मैं ब्लंट ही बोलूँगी, चाहे आपको नहीं देखना है वीडियो मत देखे, लेकिन ब्लंट ही रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा मेरा। तो आप मेरे व्यूवर्स, आप स्पिरिचुअल हैं, पैशनेट भी हैं, सपोर्टिव भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर ऑब्सेस भी रहते हैं, फियरफुल भी रहते हैं, डाउट भी रहता है आपको, ट्रस्ट इशू भी रहता है, एंड बहुत ओवर थिंकिंग रहता है, जहाँ ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप जो है निगेटिव हो जाते हैं, यानी निगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इतना जान लीजिए, चाहे वो सिचुएशन के प्रति हो या किसी इंसान के प्रति हो, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, गो विथ फ्लो चलना है, इस एनर्जी से बाहर आना है। आप किसी इंसान को लेकर भी ऑब्सेस हो सकते हैं, पॉजेसिव हो सकते हैं, सिचुएशन को लेकर भी हो सकते हैं, या फिर आप जो है डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, ट्रस्ट है, जल्दी विश्वास नहीं होता होगा, थोड़े से शक्की टाइप के इंसान हो सकते हैं, जलसी हो सकती है आप में, तो ये डेविल कार्ड बताता है। जो आपकी निगेटिव निगेटिव एनर्जी किसे कहते हैं, जब पॉजिटिव एनर्जी जो है अति हो जाए, अति अति बोलते हैं ना कि जब नमक की मात्रा, नमक की क्वांटिटी सब्जी में जितनी चाहिए अगर उतनी पड़ती है, तो सब्जी का स्वाद जो है बदल जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। किसी भी चीज़ में अगर नमक की क्वांटिटी बराबर हो तो वो एक अलग स्वाद देता है, उसका मतलब वो डिश को इन्हेंस कर देता है। लेकिन जहाँ नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, वो सब्जी हो कोई भी चीज़ हो, आपको पता है वो क्या हो जाएगा जी, वो जहर बन जाएगा, कोई नहीं खा सकता है, चाहे कितनी भी अच्छी डिश हो, कोई नहीं खा सकता है। नमक, अगर नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो वैसे ही है, आप में अच्छाई बहुत है, लेकिन अच्छाई की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, आप अच्छा सोचते हैं लेकिन सोचने की क्वांटिटी लिमिट से बाहर हो जाए, तो वो निगेटिव हो जाएगा। आप सपोर्टिव हैं, अगर सपोर्टिव इतना ज़्यादा हो जाए किसी के लिए कि आप अपना भी अपनी बाउंड्री भी लांघ रहे हैं, अपनी बाउंड्री को भी तोड़ दे रहे हैं, और को डिपेंडेंसी का शिकार हो रहे हैं, अटैचमेंट ठीक ले लेना, अटैचमेंट जिसको हम सपोर्टिव नेचर बोलते हैं, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाए और को डिपेंडेंसी का शिकार हो जाए, तो जहर ही बन गई ना, नमक के जैसा। फियर है किसी भी काम को, अगर फियर ना हो तो कोई मतलब कोई भी चीज़ करने को रेडी रहेगा इंसान। तो फियर है, लेकिन फियर की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि जिससे आप बोल्ड स्टेप ही ना ले सके अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने किसी भी, जहाँ ज़रूरत है आपको बोल्ड स्टेप लेने की, तो कहीं क्वांटिटी ज़्यादा हो गई ना, ट्रस्ट इशू है, ठीक है, किसी पर बिलीव नहीं है तो ट्रस्ट इशू है, लेकिन अगर बिलीव नहीं है और हर समय आप किसी पे शक करें और उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि तुम बाथरूम भी जा रहे हो तो मुझे बता के जाओ तो ये जहर के जैसा हो गया। तो वहीं डेविल आ जाते हैं, जहाँ किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो गई, अच्छी ही चीज़ क्यों ना रहे, चाहे वो चीनी ही क्यों ना रहे, चीनी की ही मात्रा ज़्यादा हो गई तो कोई नहीं, मीठे चीज़ को भी कोई खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो चीनी भी कहीं ना कहीं जहर के जैसा लगती है, मीन्स खाने का आप एक स्पून भी नहीं ले पाएंगे। तो आप अच्छी क्वालिटी को बहुत रिच कर देते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा सोचना हो तो बहुत ज़्यादा, किसी के लिए स्टैंड लेना हो तो बहुत ज़्यादा, खुद को भूल कर किसी के ऊपर जेलस या सेक्स क्या बोलते हैं, किसी के लिए जेलस है तो ओवर थिंकिंग, अगर अपने पर्सन को लेकर ऑब्सेस है तो ओवर ऑब्सेसिंग,
किसी के लिए आपको अगर किसी चीज़ के लिए फियर है तो ओवर फियर, तो ये जो ओवर है, ओवर वर्ड किसी भी चीज़ में, फियर ये वो सब सही है, सब सही है, लिमिट में सब सही है, लेकिन जहाँ ओवर वर्ड लग जाता है ना, ओवर थिंकिंग, ओवर फ्री फियर, ओवर एनालिसिस करना चीज़ों को, सिचुएशन को, ओवर ट्रस्ट इशू, तो जहाँ ये ओवर वर्ड ऐड हो गया ना, समझ जाइए वो नमक की क्वांटिटी के जैसा ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से वो न खाने लायक है, न रहने लायक है, न जीने लायक है। अटैचमेंट, अटैचमेंट सही है लेकिन एक लिमिट, ओवर अटैचमेंट। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट भी सही है लेकिन ओवर डिटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो या अटैचमेंट हो, कहीं भी ओवर नहीं करना है, इस चीज़ को बनाए रखना है, जिसे हम बैलेंस कहते हैं। तो अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखें, यही आपकी रियल क्वालिटी है। ओवर ना रहे, तो अभी इस वक्त आप जो है इनबैलेंस सिचुएशन में हो सकते हैं, और ये डेविल के वजह से, क्योंकि हर एक चीज़ को आप ओवर करते जा रहे हैं। आप इंसान से ही, आपके पर्सन ने जो देखा वो राइट है, लेकिन आपकी जो रियलिटी है, आपकी रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो इसी में ओवर ओवर है, ओवर ओवर ऑब्सेशन कह सकते हैं, ओवर सपोर्टिव कह सकते हैं, ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, ओवर किसी भी चीज़ को लेकर अटैचमेंट कह सकते हैं, ओवर डिटैचमेंट कह सकते हैं। तो ये सारे कार्ड सिंपल वे में है, यानी क्वांटिटी बराबर है नमक की, तब आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लेकिन इसी में आपने सब में ओवर कर दिया है, तभी ये डेविल हाजिर है कि ये ओवर की निशानी है, सभी चीज़ें आप में ज़्यादा है। तो इस ओवर को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और ये एनर्जी आ जाएगी। मीन्स आपके पर्सन ने आपको जैसे जैसे देखते हैं रियल वे में, आप वैसे ही हैं, लेकिन रियलिटी जो आपकी नज़र आई है उसमें कहीं ना कहीं ओवर चीज़ें हैं। अब मैंने ये चीज़ें बता दी हूँ कि ओवर का मतलब क्या होगा, नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होने को ही हम अति अति कहते हैं। तो मैं रीडिंग को लंबी नहीं करना चाहती, 22 मिनट्स हो गए, तो एक दो कार्ड और देख लेते हैं, एंड दो दो कार्ड ही निकालूंगी रियल, एंड उसके बाद मैं रीडिंग को एंड करूंगी, कि नहीं तो आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं। एंड एक कार्ड नीचे गिरा, और आप रियल वे में कैसे, ये आप रियल वे में हैं और आपके पर्सन कैसे देखते हो, नीचे गिर गया कार्ड, मैं निकालू के ना। तो आपके पर्सन जो है आपको कॉर्नोकोपिया जैसा देखते हैं, मिस आप जो है अबंडेंस है, फुलफिलमेंट है, हर एक चीज़ से सर्वगुण संपन्न पर्सन है, आपके पास सब कुछ है, चाहे इमोशनल फुलफिलमेंट हो, एनर्जेटिक हो, या फिर स्टेबिलिटी हो, या फिर अच्छे कम्युनिकेटर हैं आप, इंटेलिजेंट हैं आप, आपके पास सब कुछ है। इस लाइफ के 11-11 कार्ड है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल भी है। लाइफ में अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, कंटेंटमेंट है, ब्लिस है, सब कुछ है आपका, सिर्फ आपका देखने का नज़रिया अलग है। रियल में आप कैसे हो, तो रियल में देखिए, रियल में भी आप बहुत विजडम से भरे हुए इंसान हो, विजडम है आप में, रियलिटी में भी, लेकिन ये 5 नंबर है, देख सकते, 5 नंबर कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और 5 नंबर हेरोफेंट का भी होता है। तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, तो इससे ट्रांसफॉर्म होके आपको अपनी एनर्जी को सिर्फ स्टेबल करना है, क्योंकि अब विस्टम तो भरा है, सब कुछ आप में है, इसीलिए तो आपके पर्सन आपको कॉर्नोकोविया फॉर्म में देखते हैं, कि लाइक अ सर्वगुण संपन्न पर्सन, क्योंकि आप में विस्डम है सब कुछ बैलेंस करने के लिए, क्या चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, आपके पास सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास विस्डम होता है, समझ जाइए कि उसके पास 99% चीज़ें होती है, और वो 99 में 1% जो होता है वो रियलिटी में वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास विस्डम है, सबसे बड़ा खजाना है,
फिर उसको कैसे रियल वर्ल्ड में लाना है, 1% में वो रियल वर्ल्ड में ला ले आते हैं, क्योंकि उसी विजडम का वो यूज़ करते हैं जिससे रियलिटी में वो चीज़ें सामने आती है। तो आपके पास तो खजाना है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और ओवर चीज़ें कभी ना करें। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा लें कि जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जब मैं लाइव करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस एनर्जी को अगर आपको क्लेम करना है तो लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो चीज़ें आपसे क्लेम होगी, मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि एनर्जी बैलेंस ज़रूरी होता है, लाइक द टू ऑफ पेंटिकल्स के जैसा एनर्जी जो है बैलेंस ज़रूर, तो हमारे और आपके बीच की एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें मैंने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है। तो आपको बस लाइक करना है उसमें आपकी एनर्जी, क्योंकि वो मैं कह रही हूँ एनर्जी, मैंने इतना टाइम आपके ऊपर स्पेंड किया है, तो उसके बदले आप क्या कर सकते हैं। तो आप एक लाइक, छोटा सा लाइक करके शेयर करके आप जिसको चाहें कि शेयर करना है, क्योंकि हर एक इंसान को जानने का ये है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ है और उन क्वालिटीज़ पर कैसे काम करना है, यानी उस एनर्जी पर कैसे काम करना है, क्योंकि एनर्जी रीडिंग होती है। तो लोग थोड़ा अवेयर हो पाए अपने प्रति, सेल्फ लव कर पाए खुद से, तो सेल्फ लव के लिए ऐसे वीडियोस को ज़रूर आगे बढ़ाएं कि जिससे लोग खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो गाइस आप लाइक ज़रूर कीजिए जिससे एनर्जी बैलेंस हो सके। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।